Namaste, welcome back to Homeskill Lab. I'm Selena. How are you all? Hope all are good. In today's video, we'll see how we can clean our fridge in a systematic manner so that we save our time and हमें हमारी फ्रीज को रेगुलरली क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े. So let's start. So before we start the cleaning of the fridge, we switch up the fridge. Then we take out all the items. Cleaning might be take some time. तो हमें श्योर होना है कि जो प्रोडक्ट मेल्ट होने के चांसेस है इन मोस्टली इन समर लाइक बटर चीज़ ये सब को हमें पहले फ्रीज़र में ट्रांसफ़र करना है. तो अभी हमने सारा सामान निकाल दिया है और अभी हमें सारी जो सेल्फ्स है तो उसको हमें पहले निकालना है फॉर ए डीप क्लीनिंग. एंड अगर आपको लग रहा है कि फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं है, इट नीड्स जस्ट ओनली ए रेगुलर क्लीनिंग, देन नो नीड टू टेक आउट ऑल द सेल्फ्स. फ्रिज की जो सेल्फ्स होते हैं वो बहुत इजीली निकल आते हैं, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि कोई सेल्फ्स नहीं निकल रहा है देन डोंट टेक चांस, जस्ट लीव इट. अभी जो डस्ट या फूड पार्टिकल्स है उसको पहले हमें ड्राई क्लॉथ या पेपर नैपकिन से निकाल देना है. एंड देन हमें जो बैड स्मेल आता है फ्रिज से उसके लिए हमें यहाँ पे खाने की सोडा यूज़ करना है. जस्ट स्प्रिंकल द सोडा एंड क्लोज द फ्रिज फॉर 20 मिनट्स सो दैट ऑल द डर्टी स्मेल्स डिजॉल्व. एंड इन द मीन टाइम आई क्लीन ऑल द ट्रेज विथ लिक्विड सोप जो हम नॉर्मली बर्तन साफ करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड जो स्क्रब आप यूज़ करें वो सॉफ्ट होना चाहिए ताकि आपकी जो ट्रे है उसमें स्क्रैचेस ना आए. आफ्टर द क्लीनिंग आई वाइप ऑल द एक्स्ट्रा वाटर विद द हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ या माइक्रोफाइबर क्लॉथ. सो क्लीन होने के बाद आई विल कीप देम इन सनलाइट टू ड्राई. So now I will make a DIY water solution for the cleaning and shining of the fridge. So for that here I am mixing 1 cup of water, 1 spoon of liquid soap and 2 spoon of vinegar. So our DIY solution is ready. तो अभी मैं अच्छे से फ्रीज में स्प्रे कर रही हूँ ये सॉल्यूशन और 2-3 मिनट के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे. एंड देन मैं इसको वाइप कर रही हूँ और वाइप करने के लिए मैं यहाँ पे माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत इजीली सारे जो वाटर है उसको सोक कर लेगा. सो फ्रेंड्स ट्राई टू यूज़ दिस माइक्रोफाइबर क्लॉथ फॉर क्लीनिंग एंड वाइपिंग योर फ्रीज टू सेव योर टाइम इन द प्लेस ऑफ कॉटन क्लॉथ. नाउ द टाइम टू क्लीन दिस रबर गैसकेट जो कि बहुत ही गंदा हो जाता है बट हमें उसको सही तरीके से क्लीन नहीं कर पाते हैं. सो इसको सही तरीके से क्लीन करने के लिए वी हैव टू यूज़ ब्रश या ईयरबड और जिसमें कि सारी जो डस्ट है वो निकल आएंगे. देन स्प्रिंकल द वाटर सोल्यूशन एंड वाइप. तो अभी पूरी क्लीनिंग हो गई है तो नाउ द टाइम टू put back all the shelves. हमारी फ्रिज की एक डीप क्लीनिंग के बाद वी मेक श्योर कि कोई चीज़ हमें रखने से पहले वी हैव टू पुट प्लेस मैट जो फ्रिज के आते हैं सो दैट वी अवॉइड मोर स्टेन्स. प्लेस मैट होते हैं ये 2 टाइप्स में आते हैं, सम ऑफ कम इन रोल एंड सम ऑफ कम इन सेट लाइक पीसेस. एंड ऑलवेज ट्राई टू पुट प्लेस मैट इन वाइट कलर बेस ताकि आपकी जो फ्रिज है उसमें थोड़ा ब्राइटनेस आए. तो जैसे कि मैं यहाँ पे रोल यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसको मेरी फ्रिज की मेजरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ. सो नाउ आई एम पुटिंग ऑल द मैट्स. आई थिंक प्लेस मैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फ्रिज. अगर कोई स्पिलेज हो जाता है तो जस्ट टेक आउट द लाइनर एंड वॉश इट
put it again. It helps your time, energy and rapid cleaning, and also no need of deep cleaning regularly. So now the time to clean the freezer. तो जितने भी सारे फ्रीज़र में आइटम्स थे तो उसको मैं अभी फ्रीज को ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसकी जितने भी सेल्फ्स है वो अभी हमें निकालना है और वही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। नॉर्मली फ्रीजर ज़्यादा गंदा नहीं होता है तो नो नीड ऑफ स्प्रिंकल सोडा। तो बस और जो भी प्रोसेस है उसको हमें बस फॉलो करना है और हमें क्लीन करना है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जो फ्रीज़र की ऐसे वाले पोर्शन होते हैं जहाँ पे कि हमारी कपड़ा नहीं जाता है तो हमें वहाँ पे ईयरबड यूज़ करके उसको साफ़ करना है। सो नाउ फ्रीज़र इज ऑल्सो क्लीन। सो नाउ आई एम पुटिंग बैक ऑल द सेल्स। सो हियर वी कीप इन माइंड दैट कि जो भी सारी सामान हमें वापस रखना है उसकी बेस को अच्छे से क्लीन करके हमें रखना है। सो इट्स ऑल सेफ। सो नाउ द टाइम टू स्विच ऑन द फ्रीज। तो अभी हमें जो फ्रीज के बाहर के पार्ट है उसको क्लीन करना है तो हमें स्प्रे करना है वाटर सॉल्यूशन, देन वाइप इट। और हमेशा सॉफ्ट कपड़ा ही यूज़ करिए ताकि कोई स्क्रैचेस ना आए। तो देख सकते हैं कि जो हैंडल के नीचे के पोर्शन है उसमें जो डस्ट और फूड पार्टिकल्स वगैरह यहाँ पे है तो उसको मैं अभी ईयरबड के हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। Now the time to clean the side and the top of the fridge, जो कि हम normally ignore कर देते हैं cleaning के time। Organized fridge, then the whole cleaning routine will take place within 20 minutes or less than that, and it needs a clean deep cleaning in duration of 2 months. So my next video is on how we maintain, how we organized our fridge in a space saving way, and how we decorate our fridge. So don't miss it out. So for that you have to subscribe our channel Home Skill Up and also hit the bell icon to get the notification. So I will be back very soon. Till then, bye bye and take care. Oh, 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 oh